Hello everyone and welcome back. My name is Neha and welcome to my channel Trendy Neha Vlogs, where I create videos on fashion, beauty and lifestyle, and sometimes vlog as well on special occasions because I love to make memories on special occasions. So, आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लुक्स दिखाने वाली हूँ जो आप विंटर में कैरी कर सकते हैं विद अ वाइट शर्ट. आपको पता है वाइट शर्ट बहुत ही वर्सेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा आप उसको वेस्ट से स्टाइल कर सकते हो. तो मैंने इसके साथ समर्स में तो लुक क्रिएट कर ही सकते हैं, तो मैंने इसके साथ 7 विंटर लुक्स क्रिएट किए हैं विद अ वाइट शर्ट. ऑल द लुक्स आर क्लासी एंड शीक और आप उनको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली वेयर कर सकते हो और क्लासी लग सकते हो. सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो पहले लुक में मैंने क्या किया है, मैंने ऑल ब्लैक लुक क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का मॉक नेक पहना है और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी है. आप चाहो तो मॉक नेक को टर्टल नेक से भी रिप्लेस कर सकते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीजन, आप अगर विंटर ज़्यादा है तो आप उसके नीचे लेयरिंग कर सकते हो, थर्मल वेयर भी पहन सकते हो, और विंटर के हिसाब से आप उसको जो है लेयरिंग कर सकते हो. मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो वेदर ऐसा है कि आप एक लेयर में भी आपका काम हो सकता है. तो मैंने क्या किया है इस लुक में, ट्राई ऑन में आप साथ साथ देखते जाओगे. तो मैंने क्या किया है, मैंने ब्लैक लुक क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने ब्लैक एंड ब्लैक पैंट्स पहनी है, और उसके साथ मैंने विंटर्स के लिए ब्लैक बूट्स पहने हैं. और क्योंकि जो मेरा बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने व्हाइट शर्ट को ऊपर लेयर किया है, और ये लुक बहुत अच्छा लगता है. आप इसको कहीं भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप इस लुक को कैरी कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में. और क्योंकि जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था, तो मैंने उसके साथ एक लॉन्ग नेक पीस पहना है और गोल्डन कलर के हुप्स पहने हैं. आई थिंक गोल्डन हुप्स लुक ग्रेट विद ब्लैक कलर, और मैंने साथ में लिया है एक ब्लैक कलर का बैग. तो ये था मेरा फर्स्ट लुक. सो इन माई सेकेंड लुक मैंने क्या किया है, मैंने व्हाइट शर्ट को पहना है और उसके ऊपर स्टाइल करी है एक वी नेक स्वेटर. और वी नेक स्वेटर आप जैसे ट्राई ऑन में देख पा रहे होंगे, उसके कफ पार्ट पे और बॉटम पार्ट पे बहुत अच्छी डिटेलिंग है, तो मैं उसको ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ. बट अगर आप चाहते हैं तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेस्ट बेल्ट. मैंने ऐसे ही करके दिखाया है आपको. क्रॉप स्वेटर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उसको मैंने स्टाइल किया लोफर्स के साथ. नाउ दिस इज समथिंग इज योर विश, आप अगर चाहो तो लोफर्स पहन सकते हो, आप अगर चाहो तो बूट्स पहन सकते हो, बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको लोफर्स ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, इसीलिए मैं लोफर पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ. बूट्स समटाइम्स, बट माई प्रेफरेंस इज लिटिल डिफरेंट फॉर द बूट्स. सो मुझे लोफर्स के साथ ये लुक ज्यादा अच्छा लगता है. ब्लैक पैंट्स को रिप्लेस किया है डेनिम के साथ जस्ट टू मैच द यू नो आउटफिट. आप चाहो तो ब्लैक पैंट्स भी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी, बट मुझे डेनिम्स के साथ ये लुक ज्यादा अच्छा लग रहा था. और अब मैंने क्या किया है, जो कफ पार्ट है स्लीव्स का, उसको बाहर लेके बहुत ज्यादा बाहर नहीं लिया मैंने, बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर आउटसाइड उसके वो किया है, फोल्ड कर लिया है. वो एक बहुत अच्छा लुक देता है जब वो थोड़ी सी यू नो वाइट की डिटेलिंग बाहर दिखती है और यहाँ से आपका जो कॉलर पार्ट बाहर आ रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है. और मैंने एक साइड बैग लिया है ब्लू कलर का, एंड दिस लुक क्लासी एंड शीक बोथ. तो ये लुक भी आप ट्राई कर सकते हो. फॉर द एक्सेसरीज मैंने क्या किया है, मैंने पहने व्हाइट हुप्स. अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक्सेसरीज और बैग्स एंड फुटवेयर्स के साथ चेंज कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जो आपका स्टाइल है वही कैरी करना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं किसी को देखकर स्टाइलिंग नहीं करती हूँ, मुझे जो अपने ऊपर सूट करता है. ये वीडियो बनाने से पहले ये सारे के लुक्स मैंने ट्राई किए हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैंने सिर्फ उसी को ही कैरी किया है. तो फॉर द ज्वेलरी, फॉर द बैग ऑप्शंस आप प्ले कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो. और सिर्फ मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखा रही हूँ जो आप क्रिएट कर सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड क्लासी लग सकते हो. सो सेकंड लुक भी आप ट्राई ऑन में देख सकते हो. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. नाउ फॉर द थर्ड लुक मैंने क्या किया है, मैंने व्हाइट शर्ट और डेनिम को मैंने अब रिप्लेस किया है पैंट्स के साथ, क्योंकि मैं इसके साथ अब लेयर करने वाली हूँ एक लॉन्ग श्रग जिसमें साइड पे ब्लू कलर की डिटेलिंग है. तो मैंने जो पैंट्स है वो चेंज कर दिए हैं ब्लैक में. आप चाहो तो डेनिम के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये लुक जो है वो पैंट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको पैंट्स के साथ दिखाया है.
अब ये लुक अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैंने इसके ऊपर एक वेस्ट बेल्ट लगाने की कोशिश करी। पहले मैंने ट्राई किया कि व्हाइट कलर की वेस्ट बेल्ट लगाऊं, बट वो मुझे उतना अच्छी लग रही थी नो डाउट, बट मुझे उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको एक ब्लैक बेल्ट से सिक्योर किया एंड दिस लुक्स टर्न आउट वेरी गुड। और मैंने जो कफ पार्ट है वो भी बाहर ले लिया, क्योंकि मैंने जैसे ही अपने लास्ट लुक में बताया था कि व्हाइट कलर की डिटेलिंग जब बाहर स्लीव्स के दिखती है ना, तो वो आपका लुक जो है वो ओवरऑल और भी ज्यादा स्टाइलिश लगने लग जाता है। देन मैंने लिया है इसके साथ व्हाइट कलर का बैग एंड हुप्स पहने हैं। मुझे हुप्स आई थिंक ज्यादा सूट करते हैं, इसलिए मैं हुप्स प्रेफर करती हूँ। एंड फॉर द हेयर स्टाइल मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक हाई पोनी कर रखी है ताकि ऑल लुक्स जो है वो सभी उसी में मैं शूट कर पाऊँ। सो ट्राई ऑन में आपको सब कुछ दिखता जाएगा। बेल्ट आप विदाउट बेल्ट भी शर्ट वाले लुक को कैरी कर सकते हो, विद बेल्ट भी कर सकते हो। मुझे विद बेल्ट ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने विद बेल्ट आपको दिखाया है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट लुक की तरफ। नेक्स्ट लुक में मैंने क्या किया है, बहुत ही कॉमन लुक है ये, सब लोग कैरी करते हैं। व्हाइट शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना है और डेनिम पहने हैं। मुझे ब्लेजर के साथ डेनिम ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ब्लेजर के साथ डेनिम पहने। इयररिंग्स को मैंने सेम ही रखा और ये लुक आई थिंक सब कैरी करते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं है। और सेकेंडली मैंने इसके साथ पहने हैं बूट्स, क्योंकि ब्लेजर के साथ बूट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो आप लोफर्स भी पहन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन दैट यू आर गोइंग। सो अगर आप डेली पहनना चाहते हो तो आप बूट्स भी कैरी कर सकते हो, बिकॉज वो आपको वार्म रखेंगे। एंड फॉर द लोफर्स, इफ यू से कि ठंड लगेगी, तो आई वेयर यू नो बेली सॉक्स इनसाइड, सो उससे ठंड नहीं लगती है। यू गेट वार्म बेली सॉक्स एज वेल, तो आप उसको पेयर कर सकते हो लोफर्स के साथ। तो ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस लुक में भी आप प्ले कर सकते हो, जैसे आप अपने एक्सेसरीज को थोड़ा सा यू नो अलग कलर देने की कोशिश कर सकते हो, अलग अलग बैग कैरी कर सकते हो। मैंने इसके साथ एक ब्लैक बैग, पहले एक ब्राउन कलर का बैग लिया था, वो लुक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके बाद मैंने उसको ब्लैक बैग के साथ कंप्लीट किया है। तो बैग एक्सेसरीज इसके साथ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, और ट्राई ऑन में आपको ये लुक भी अच्छे से दिख रहा होगा। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट लुक, विच इज द फिफ्थ लुक एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉमन लुक। तो नेक्स्ट लुक में मैंने क्या किया है, डेनिम पहनी है और ऊपर एक व्हाइट शर्ट और ऊपर से डेनिम्स पहनी है। डेनिम्स के स्लीव्स को मैंने अच्छे से फोल्ड किया है, बिकॉज डेनिम्स को फोल्ड करके ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ठंड है तो आप नीचे शर्ट के नीचे जो है वो लेयरिंग कर सकते हो, बट इस वेदर के अकॉर्डिंग डेनिम विल ऑल्सो वर्क। और साथ के साथ आप बूट्स में चाहो तो आप लॉन्ग बूट्स भी पहन सकते हो, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और आप डेनिम्स को ब्लैक पैंट्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो, कभी आप चाहो तो आप डेनिम्स पहन सकते हो, कभी आप चाहो तो ब्लैक पैंट्स भी पहन सकते हो, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। इयररिंग्स में आप हुप्स पहन सकते हो, आप स्टड्स पहन सकते हो, दे लुक्स क्लासी टू। और इसके साथ मैंने जो है वो ब्लैक की जगह ब्राउन बैग लिया है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ब्राउन बैग ज्यादा अच्छा लग रहा था इस लुक के साथ, क्योंकि डेनिम और डेनिम लुक के साथ ना थोड़ा सा अगर आप एक्सपेरिमेंट करो तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसके साथ ब्राउन बैग लिया एंड दैट लुक क्लासी, बहुत अच्छा लुक लग रहा था, एकदम स्टाइलिश लुक था एंड वेरी कॉमन लुक आई कैन से। आप हम सब लोग डेनिम्स पहनते हैं, और आप चाहो तो डेनिम को हाफ डेनिम्स भी पहन सकते हो, आप चाहो तो एक डेनिम शर्ट भी पहन सकते हो। बट अगर आप डेनिम शर्ट पहन रहे हो तो अगर आप पैंट्स पहनोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और विंटर के लिए लुक क्रिएट किया था इसीलिए मैंने डेनिम जैकेट पहनी है एंड डेनिम्स पहने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट लुक, ये लुक बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट था, मैं कभी कैरी नहीं करती उस लुक को, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया मुझे मजा आ गया। ये लुक मेरा फेवरेट होने वाला है नेक्स्ट विंटर्स के लिए, या फिर इस विंटर में भी जितनी विंटर्स बची हैं हम इसको कैरी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक ब्लैक कलर की हुडी थी, तो मैंने व्हाइट शर्ट के ऊपर जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैंने उसको पहनकर देखा, और इतना क्लासी लुक आया, इतना अच्छा लुक। द ओनली थिंग आई वुड से फॉर द हुडी विल बी कि हुडी जो है वो एक साइज प्लस लेना, अपनी फिटिंग की हुडी मत लेना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर आप वन साइज प्लस लोगे तो जो स्लीव्स है वो आप लिटिल अपवर्ड्स ले सकते हो, और वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट हुआ, इतना अच्छा लुक क्रिएट हुआ ना कि आई एम इन लव विद दिस लुक। मैं इस लुक को जल्दी ही बाहर कैरी करने वाली हूँ, बहुत अच्छा लुक लगा मुझे ये। और इसके साथ भी आप एक्सेसरीज को अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अब मैंने इसके साथ व्हाइट कलर का बैग लिया है, मैंने इसको
साइड बैग के साथ भी लिया है, ब्लू कलर के साथ, वो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा था। प्लस मैंने व्हाइट बैग लिया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इसको अगर बाहर कैरी करूंगी तो मैं बूट्स के साथ भी कैरी कर सकती हूँ ब्लैक कलर के, और अगर मैं चाहूँ तो, अभी मैंने लोफर्स के साथ ही दिखाया है आपको ये लुक, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको व्हाइट बेलीज के साथ भी पहनना पसंद करूंगी, पॉइंटेड टॉप के साथ भी पहन सकती हूँ व्हाइट कलर के, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप कोई पार्टी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो पॉइंटेड हील्स आर द बेस्ट, और उसमें आप टॉल लगते हो और बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत एलिगेंट एंड बहुत सिंपल, सब बहुत बढ़िया लुक आता है। तो ये लुक भी मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट लुक है। सॉरी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट लुक कौन सा है और आप लोग कौन सा लुक कैरी करने वाले हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Now moving on to my next look, which is the last look, the seventh look. Now what I'm going to do, I am going to style a scarf with a white shirt. Now ye mat kehna ki thand lagegi, you can definitely wear a thermal and a mock neck or a turtleneck inside, and you can take a thick scarf that is guff and warm. You can place this around your neck like I did. Aap स्कार्फ को टू पार्ट्स में फोल्ड करो और यहाँ से उसको लेकर के पूरा एक अच्छा, बहुत अच्छा लुक लगता है ये भी। और मैंने स्कार्फ के साथ मैचिंग जो है वो बैग लिया है, मैचिंग लोफर्स भी है मेरे पास, मैचिंग लोफर्स भी पहन सकते हैं आप, इसको बूट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो, इसके साथ लॉन्ग बूट्स बहुत अच्छे लगेंगे, तो अगर आपके पास लॉन्ग बूट्स हैं तो आप इस लुक को लॉन्ग बूट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो। तो ये थे सारे के सारे सेवन लुक्स जो मैंने क्रिएट किए हैं विंटर के लिए विद अ व्हाइट शर्ट। एंड एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने व्हाइट शर्ट मैंने यूज करी है वो ओवरसाइज व्हाइट शर्ट यूज करी है, तो इसीलिए अगर आप भी ये लुक्स क्रिएट कर रहे हैं तो ओवरसाइज व्हाइट शर्ट के साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे। कुछ चीजें जो है वो ओवरसाइज अच्छी लगती हैं, तो ये व्हाइट शर्ट ओवरसाइज थी और बहुत अच्छे लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कौन सा लुक आपका फेवरेट था, एंड शुड आई ट्राई मोर लुक्स विद द व्हाइट शर्ट, एंड आप इनमें से कोई लुक ट्राई करने वाले हो या करोगे तो प्लीज इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू।